अंत न पावत देव सवै मुनि इंद्र महाशिव जोग करी। पुनि वेद विरंच विचार रहयो हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन कौ प्रभ दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन कौ गुर ज्योति अर्जुन माहि धरी। दंडौत वंदन अनिक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखहु प्रभु नानक दे कर हाथ। जाही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम। पुन द्वादस गोरिंद कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच सुभायमान गुरु सवारी सतसंगी सतसंगत जीओ सब माई भाई वड भागे हो सानू जिथे सेवा करन दा साध संगत ते दर्शन करन दा साध संगत विच बैठ के नाम सिमरन करन दा ये सुहावना समा प्राप्त होया है। उथे नाल दी नाल श्रवण भगती करन दा भी ये सुभाग समा है। पातशाह गुरबाणी च फुरमान करदे हन के सोने सोने अंधे पावै राह। सुनन नाल वड्डियां प्राप्तियां हुंदियां ने। गरीब नवाज सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जपजी विच चार पौड़ियां सुनिया दियां उचारण कीतियां जिदे विच सुनन दा महात्म लिखिया है। उपरंत पातशाह ने मन्या दिया पौड़ियां लिख के उस दी दूजी पौड़ी दा दूसरे पद दा दूसरी अवस्था दा जिक्र कीता है। क्योंकि पातशाह ये फरमान करदे ने कि सुनिया मन्या मन कीता भाव। एक छोटी जी तुक विच साहिब ने तीन मंजिलों का जिक्र कर दिता है। असल विच इहदे विच एक मंजिल आलोप भी है एक अवस्था लुपत भी है। पहली अवस्था है सुनना, दूसरी अवस्था है मनना और तीसरी अवस्था भौ की अवस्था हुंदी है, डर की अवस्था हुंदी है। अपने मालक का अपने प्रीतम सतगुरु का हिरदे विच डर होना ये तीजी अवस्था है जिसका जिक्र पातशाह ने गुरबाणी विच कीता है। साहिब कहिंदे ने जिन्ना भौ तिन ना है भौ मोच भौ ने भव्या। साहिब कहिंदे ने जिन्हां दे अंदर डर है संसार दा वो डर क्यों व्याप रहा। संसार दे दुखां दे डर व्यापण दा इको ही कारण है वो है कि साढ़े अंदर परमेशर प्यारे दा भाव नहीं। जदों साढ़े अंदर परमेशर प्यारे दा भाव आ गया डर आ गया अपने सतगुरु दा
फिर संसार दा और इस संसार तो जदों असी इस शरीर नू छड़ के जाना है उत्थे जमा दा डर भी सानू नहीं व्याप सकता, निरभउ हो जांदा है। सो निरभउ जिन निरभउ जपया, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। और भउ तो अगली मंजिल है भाव की मंजिल, जिसनों प्यार की मंजिल आख्या जाता है। सिखी शब्द बड़ा छोटा जिहा है, पर गुरु के प्यारियो सिखी का संकल्प बड़ा बेमिसाल है। सिखी का कंसैप्ट छोटा जिहा नहीं, याद रखना सिखी प्रेम मार्ग है, खालसा होना प्रेम मार्ग है। खालसे की डेफिनेशन देंदिया होया भगत कबीर जी ने फुरमान किया। भगत कबीर कहिंदे ने, कहो कबीर जन भए खालसे, प्रेम भगत जिह जानी। जिसने प्रेमा भगती नूं जान लिया वह खालसा बन गया। प्रेमा भगती तो बिना ना कोई धर्मी है, प्रेमा भगती तो बिना ना कोई सिख है, प्रेमा भगती तो बिना ना कोई संत है, प्रेमा भगती तो बिना ना कोई खालसा है। प्रेमा भगती ही इस आध्यात्मिक जीवन का आधार है। याद रखना सानू साडे सतगुरां ने की सिखाया है, साडे वास्ते किहड़ा मार्ग निश्चित कीता है। क्योंकि पातशाह फुरमान भाई साहब भाई गुरदास जी का एक वचन है, गुरमुख गाडी राह चलाया। गाडी राह का रस्त भाव है वड्डा राह, विशाल रस्ता है, डंडी नहीं, बड़ा बेमिसाल बड़ा वड्डा रस्ता है। वो सतगुरां ने चलाया है और वो मार्ग है प्रेम का मार्ग। अज आप जिस सतगुरु जी की पावन याद विच एकत्र होए हैं, आओ सारे माई भाई उस साहिबे कमाल निम्रता दे पुंज खिमा दे सागर शहीदां दे सरताज जिन्हां नूं तीसरे पातशाह सतगुरु अमरदास जी ने, नाना सतगुरु जी ने कदी दोहिता बाणी का बोहिथा कह के निवाजिया सी। अते ए वी बचन कहे सन, केड़ा वड्डा पुरख है भारी जिन मंजी साडी हिलाई सारी। ओ सारी मंजी नूं हिला देण वाला और इस हिलदी होई धरती नूं आसरा देण वाला, इस डगमगा रहे धर्म धौल नूं सहारा देण वाला, उस महान सतगुरु के चरणा च आओ सारे नमस्कार करिए। कोई रसना वांझी ना रहे, सब गज के कहो धन श्री सतगुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी। सतसंगी जनों, मैं एक अर्ज कर देनी चाहवांगा। असी बड़ा जोर देंदे हाँ दुनियावी गल्लां ते, और हर गल बड़े जोर नाल कहिंदे हाँ, जतन करदे हाँ कि साडे अंदरों गल निकले, पर असी की करदे हाँ जदों सतगुरु का नाम लैना हुंदा, सतगुरु नूं धन कहना हुंदा, उस वेले साडी आवाज़ नहीं निकलदी। माफ़ करना, साडे अंदर सतगुरु का प्यार जां ते घट है, जां साडे अंदर वो जोर ही नहीं आया, वो प्यार दी खिच ही नहीं आई, वो बख्शिश नहीं साडे अंदर पैदा हो सकी सतगुरु दी, जिहदे करके असी सतगुरु नूं धन आख लईए। क्योंकि एक बचन गुरबाणी विच आया है, बहुत वारी तुसीं पढ़िया होवेगा, सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे ने कि हरी दा जन जदों परमेश्वर प्यारे दा नाम उच्ची आवाज़ विच लैंदा है ते उदों की हुंदा है, कहिंदे ने जन निंदक डंस लगाए। निंदक लोग जेड़े ने उन्हां नूं इंज हुंदा जिवें किसे जहरीले जानवर ने डंग मार दिता होवे, इस तरह की हालत हुंदी है। तो सतसंगी जनों, आप गुरमुख बैठे हो, आओ एक बार फिर उस सतगुरु के दसवें स्वरूप जिन्हां ने शहीद पिता दे पुत्र होण दा जिन्हां नूं माण हासिल है, जिन्हां ने अपने चार लखते जिगरां नूं अपनी प्यारी माता नूं
अपने घर बार नू सारे सरबंस नू साढ़े तो लुटा दिता। आओ उस पातशाह दे चरणा च सब माई भाई नमस्कार करो, प्यार नाल कहो धन श्री सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी। जिस सतगुरु की कृपा नाल उस शहीदी परंपरा नू अगे वधाया गया और उस वधी हुई परंपरा ने सानू आजाद फिजा विच साह लैण दा अवसर दिता। अज जे असी जिउ रहे हाँ माण नाल ते ए उन्हां शहीदियां दी परंपरा सदका है, उस त्याग दी भावना करके है, उस सतगुरु प्यारे दी बख्शिश सदका है जिस सतगुरु ने कृपा करके 12 सालां अते 9-9 सालां दे बच्चियां नू तोपां दे सामने तोपां नू वंगारदियां होइयां वेख्या विखा दिता। सतसंगी जनों उस सतगुरु दे चरणां च सब माई भाई एक बार प्यार नाल अर्ज करिए, सब सिर चुकाइए, गज के आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। जिन्हां दी बख्शिश होई है असीं सारे इस थां ते इस रूप विच बैठ के सतगुरु जी दा जस कर रहे हाँ। आओ सारे हजूर सतगुरु दे चरणां च नमस्कार करिए, सब प्यार नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सतसंगी जनों मेरे तो पहला आप जी बलटोहे वाले कवि जथे नू सरवण कर रहे सी, उन्होंने एक बचन किया कि तुसी इतिहास बहुत सुनिया, तुसी इतिहास बहुत पढ़िया, पर सतसंगी जनों मैं इस गल नाल बहुता सहमत नहीं। मैं अपने दिल की गल कर दूं। पहली गल तो यह है कि सिखां दा इतिहास ओपरियां ने बेगानियां ने लिखिया, साडे विच इतिहास लिखण की परंपरा ही कोई नहीं सी। जे थोड़ा बहुता लिखिया गया तो वह इन्नी देर बाद लिखिया गया कि वह सतसंगी जनों इतिहास सानू जिहड़े मुढ़ले स्रोत सन उस वेले प्राप्त होए, ये नहीं कि उन्हां दी नीयत ते कोई शक कीता जा सकदा, पर जेड़े मुढ़ले स्रोत उन्हां नू प्राप्त होए उन्हां अनुसार उन्हां ने इतिहास दियां नू पक्कियां कीता मजबूत कीता। जिन्हां विचों भाई संतोख सिंह जी ने, जिन्हां विचों भाई कोयर सिंह जी ने, जिन्हां विचों भाई सुखा सिंह जी ने, जिन्हां विचों ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने इत्यादिक बहुत सारे वड्डे वड्डे महापुरख ने जिन्हां ने इतिहास की सृजना की, पर उस वेले उन्हां नू स्रोतां की प्राप्ति ज़्यादा नहीं सी। इस वास्ते गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत की जदों असी गल करते हैं तो साढ़े सामने केवल तो केवल एक ही गल आउंदी है और वो गल है कि चंदू की मुखालफत। चंदू ने सतगुरु सच्चे पातशाह ते जुल्म कीता ते करवाया, साढ़े सामने यही गल आउंदी है। पर गुरु के प्यारे हो मैं एक अर्ज करद, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नू तत्ती तवी ते पहुँचण तो पहला पहला बेअंत तत्तियां हवावां दा सामना करना पिया, तत्तियां लोवां दा सामना करना पिया। अज महीना चल रहा है जेठ दा, गुरु के प्यारे हो जेठ परमेश्वर दा नाम है, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है, जेठ परमेश्वर का नाम है, रब का नाम है, सब तो वड्डे का नाम है। सचमुच जेठ तक पहुँचने वास्ते, रब तक पहुँचने वास्ते मुशक्कतां का टाकरा करना पैंदा, मुश्किलों का टाकरा करना पैंदा। जेकर जेठ दे विच वगण वालियां तत्तियां हवावां तो तत्तियां लोवां तो मनुख डर जाए तो याद रखना उस सारे संसार नू शीतल करन वाले परमेसर तक नहीं पहुँचया जा सकता, उस ज्येष्ठ दी गोद विच नहीं समाया जा सकता। सो इस वास्ते गुरु के प्यारियो सतगुरु पातशाह दे नाल की कुछ होया बहुत लंबा इतिहास है, बेअंत लंबा है। मैं 2-4 इतिहासक वाक्यात आप जी नाल सांझे करांगा। मैं एक ये भी अर्ज कर दिया कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने जेड़ी पावन बाणी साढ़े वास्ते संचित की, एकत्र की, उस बाणी दे विच
रूहानियत दे नाल नाल अध्यात्मवाद दे नाल नाल इतिहास भी भरिया पिया है। इसे वास्ते गुरसिख का यह फर्ज बनता है कि जदों इतिहास नू पढ़े ते इतिहास नू पढ़ के उनू परखण लई गुरबाणी दी पावन कसवटी उत्ते परखण दा जतन करे। बहुत सारे बचन ने, खास करके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दी शहादत उन्हां दे समय बारे दे विच्चों एक वड्डा कारण जिहड़ा है सामने साडे आउंदा ओ है गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे सामने बाबर आउंदा। बाबर जदों पंजाब दी धरती ते हिंदुस्तान दी धरती ते अपना कदम रखदा है उस बारे मेरे पातशाह ने आखिया सी, जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबल होताया जोरी मंगै दान वे लालो, सरम धर्म दोए शब खलोए कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। ये अवस्था बन गई सी, ना शर्म रह गई ना धर्म रह गया, पाप की जंज लैके ओ जरवाणा बाबर इस धरती ते आया। उन्हें कीता की आसा राग विच गरीब नवाज सच्चे पातशाह दा अष्टपदियां विच एक शब्द है, दो शब्द इकट्ठे ने, समा नहीं मैं उन्हां बारे विचार कर सकां। एक शब्द है गरीब नवाज कहिंदे ने, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवै धूड़, महला अंदर होदियां हुण बाहन ना मिले हादूर, आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत ना पाया कर कर कीने वेश। ओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लिखिया की हो रहा सी उस वेले, पाप दी जंज दे विच केड़े केड़े लोग जेड़े सन ओ अदमोए कीते जा रहे सन, उन्हां नू मारिया जा रहा सी, खत्म कीता जा रहा सी। याद रखना कि बाबर दी इस पाप रूपी जंज विच ना कोई हिंदू बचिया ते ना कोई मुसलमान बचिया। ये याद रखना कि बाबर दा विरोध केवल हिंदुआं नाल नहीं सी, वह मुगलों पर भी हमलावर उन्होंने आया। इस वास्ते पातशाह ने एक बचन आखिया सी, मुगल पठाणा भई लड़ाई रण मह तेग वगाई। एक पासे मुगल ने दूसरे पासे पठान ने, मुगल ते पठाणा दा जंग है। खैर मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा कि उस लड़ाई दे विच गुरु बाबा ये ना समझ लेना कि किते हिंदुआं दे पक्ष विच ही खलोते ने, गुरु बाबा दबे हुए लोगों के पक्ष में खलोते ने, भावें वह हिंदू सन भावें वह मुसलमान सन, सारिया के पक्ष में गुरु बाबे ने हा का नारा मार के आखिया सी, एती मार पई कुरलाना तैं की दर्द ना आया। हे परमेशर जीओ, तेरे तू तो दर्दमंद हैं, तेरे नाल जुड़े हुए लोग भी दर्दमंद होंगे ने, तू तो दर्दमंद सैं, तेरे अंदर दर्द क्यों नहीं आया समझ नहीं आती। पर सत्संगी जनों, रब नू मेहना मारन वाले उस गुरु बाबे ने उस बाबर दे मूँह ते एक गल आखी सी, राजे सिंह मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहदा पायन घाओ रत पित कुत्ते हो चट जाओ। ये बचन आखे सन, राजिया नू शेर आखना, उन्हां दे वजीरां नू कुत्ते आखना, यह गुरु हिस्से आया। अज कौन कह सकता है? मेरे सतगुरु ने जदों ये गल आखी विरोध उस दिन तो शुरू हो गया सी। गुरु अर्जन देव की शहादत केवल पंजवें स्वरूप से जाके ही साढ़े सामने आती है, पर विरोध तो उस दिन का शुरू होया सी, जिसनों साढ़े बहुत सारे लोगों ने यह गल कह दी कि सत मुठा भंग दिया लैके तो उन्होंने पातशाहियां दे दतियां सन। गुरु बाबा ऐसा नहीं, पर गुरु बाबे दे दर ते जो आए उसनों मोड़दा भी नहीं। ये भी याद रखना, जेड़ा इस घर विच नीवा होके आ जाएगा उन्हों गुरु बाबा मोड़दा भी नहीं, पर जेड़ा कोई आकड़ करके आउंदा उसनों गुरु बाबा झलदा भी नहीं। और मूँह ते आखदा राजे सिंह मुकदम कुत्ते, लड़ाई शुरू हो गई। क्यों हुई? क्योंकि एक पासे सच सी दूजे पासे झूठ सी। पातशाह कहिंदे ने, जे को बोले सच कूड़ा जल जावे,
जे किते कोई मनुख बोल रहा होवे ते दूजा आदमी कोलों तड़फ तड़फ के पवे ते समझ लेना कि वह तड़फण वाला झूठा है ते जेड़ा बोल रहा है वह सच बोल रहा है क्योंकि उहदे को जरिया नहीं जा रहा इस वास्ते तड़पदा पिया। तो मैं अर्ज कर रहा सां कि गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे नाल इह जेड़ा विरोध सी इह केवल ते केवल चंदू दा नहीं सी। इह गल मैं आप जी नाल सांझी कर रहा सां। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह तो बाद इस धरती दे उत्ते मुगलिया सल्तनत कायम हुंदी है। बाबर आउंदा है, हमाजू आउंदा है, अकबर जेड़ा है बादशाह बनता है। अकबर नूं सुलह कुल बादशाह आख्या जांदा है क्योंकि उसने सुलह कुल नीति अपनाई मनदे ने इतिहासकार। पर मैं एक गल तुहाडी जानकारी वास्ते अर्ज कर देनी चाहवांगा, ध्यान रखियो, हर सिख विद्यार्थी है। जेड़ा सिख विद्यार्थी नहीं बनता उन्हों सिख अखवाउण दा हकदार नहीं। पहला सिख नूं विद्यार्थी बनना पवेगा, सीखना पवेगा, समझण दी कोशिश करनी पवेगी। और इतिहास जदों लिखिया जांदा उदों उहदा रूप होर हुंदा। जदों इतिहास बनिया सी उदों उहदा रूप होर सी, जदों लिखिया गया उदों उहदा रूप होर सी। जदों इतिहास की चीर फाड़ हुंदी है उन्हां परिस्थितियां नूं वेखदियां होइआं इतिहास का एनालिसिस हुंदा है ते उह होर ढंग नाल हुंदा। हर बंदा वक्रे ढंग नाल करेगा, इस वास्ते इतिहास के एनालिसिस की लोड़ हुंदी है। बादशाह अकबर बेशक अपने आप को सुलह कुन बादशाह अखवाउंदा है, पर उसका सुलह कुन होना भी इत्थों के लोगों वास्ते कोई बहुता लाहेवंदा नहीं सी। याद रखना, क्यों नहीं सी? नीति उहदी जिहड़ी है वह बड़ी विशाल है, पर फिर भी किते ना किते उस दे अंदर एक भावना छुपी हुई है। वह भावना की है? वह भावना यह है कि दुनियावी राज ते मिल गए है, पर अकबर यह चाहता है कि हुण अध्यात्मिक राज भी मैनू प्राप्त हो जाए, हुण धार्मिक राज भी मैनू मिल जाए। और याद रखना, अकबर बादशाह ने अपना राज अध्यात्मिक राज धार्मिक राज कायम करने वास्ते एक नवा धर्म चलाया और उस धर्म का नाम रखिया दीने इलाही। वो दीने इलाही जिहड़ा धर्म सी उहदे विच मुसलमान भी आए, तो याद रखना उहदे विच हिंदू भी आए, उहदे विच अकबर रहीम खान खाना भी है, तो उहदे विच बीरबल भी है। बेशक बीरबल महेश भट्ट है, ब्रह्म, पर फिर भी याद रखना इहदा झुकाव अकबर दे धर्म वल है। इसने अपने नाँ का खुतबा पढ़ाया, फिर कभी समा होगा क्योंकि घंटिया बद्दी लगते ने इहो जिहियां गल्लां करन वास्ते, समा बहुत लंबा चाहिए। मेरा विचार नहीं सी कुछ बोलण दा, पर गुरसेवक सिंह होरां ने मेरी ड्यूटी लाई है, मैं इस करके तुहाडे सामने आया। मैं अर्ज ये कर रहा सां कि याद रखना, अकबर की इच्छा सी राज भाग चलाउण दी और दोवें राज चलाउण दी इच्छा सी, पर इस दा पुत्र जिसनों जहांगीर आख्या जांदा है, ये जहांगीर दे नाल इस दी बनदी नहीं सी। इस दी अपने पोतरे खुसरो नाल बनदी सी। खुसरो भी उस तरह दीयां नीतियां दा मालक सी जिस तरह दीयां नीतियां दा मालक अकबर सी। इस वास्ते जदों सुभा रलदे ने ना उदों मनुख दा जीवन जिहड़ा है वह सुखाला हो जांदा है, पंध सौखा निबड़दा। पर याद रखना, जदों टकराव पैंदे ने टकराव विचारां तों पैंदे ने, शरीरां दा टकराव बाद विच हुंदा, पहलां मनां दा टकराव हुंदा। जिन्ना चिर मन दा टकराव नहीं उन्ना चिर शरीर दा टकराव कदे नहीं हो सकदा। विचारां दी भिन्नता है, विचारां दी लड़ाई है संसार विच। तो गुरु के प्यारियो, मैं अर्ज़ कर रहा सां विचारां दी टक्कर हो गई। खुसरो जिहड़ा सी उस नूं चाहुंदा है अकबर। हुण इन्ने जहांगीर ने वेख्या कि किसे ढंग नाल बादशाही तो मैनू मिलनी चाहीदी है, क्यों नहीं सी चाहुंदा? इहदा दूजा कारण अकबर जिहड़ा जहांगीर नूं नहीं सी चाहुंदा वह भी समझ लैना। जहांगीर बादशाह यह ना समझ लैना कि वह बड़ा वड्डा किते कट्टड़ मुसलमान सी। राजनीतिक लोग धर्मी नहीं हुंदे, याद रखना कौड़ी सच्चाई है। राजनीतिक लोग धर्मी नहीं हुंदे,
क्योंकि एक राजनीति है एक धर्म नीति है, दोवें नीतियां कट्ठियां किदां चलणगियां नहीं चल सकदियां। धर्म नीति उपर रहे राजनीति हेठां रहे तो राज बहुता चिर उंज नहीं चलदे, राजनीति ते धर्म नीति बराबर ते चल नहीं सकदियां। इस वास्ते राजनीति नूं लोकी उपर रखदे ने, छोटे तो छोटा काम करन वास्ते भी लोकी राजनीतियां अपनाउंदे ने, पर गुरु के प्यारियो राजनीति नूं जदों मनुख उपर रखेगा धर्म नीति दब जाएगी, तो इस वास्ते ये दोवें इकट्ठियां नहीं चल सकदियां। नहीं हुंदे धर्मी, वो सिर्फ ते सिर्फ धर्म का बुरका पाउंदे ने। तुसी औरंगजेब की गल कर लवो, तुसी जहांगीर की गल कर लवो, तुसी हुण तक दे हो चुके बादशाहां दी गल कर लो, और इत्थों तक के लोकतंत्रक राजियां दी भी गल कर लो, सारे दे सारे ही इदां दे हुंदे ने, केवल बुरका पाउंदे ने। धर्म दा बुरका पाया हुंदा पे असी धर्मी हाँ, सच जाणिओ धर्मी नहीं हुंदे। उहनां दा मनोरथ जिहड़ा है राज कायम करना हुंदा, क्योंकि धर्म ते त्याग दी भावना दा सिखर है, धर्म ते त्याग सिखाउंदा। राजनीति सब कुछ हड़प लैना चाहती है, इकट्ठे किदां चलणगे। राजनीति धर्म के आधार पर नहीं चलती, बेन्याई के आधार पर चलती है, झूठ के आधार पर चलती है, बेईमानी के आधार पर चलती है, पर दूसरे पासे धर्म सच पर चलता है, धर्म दया पर चलता है, धर्म त्याग पर चलता है, मेल किवें हो जाएगा। पर साडियां अखां ते जिस तरह मदारी पर्दा पा दिंदा है ना, इस तरह पर्दा पा दिता जाता, साडियां अखां ते हो कुछ होर रहा हुंदा, सानू सामने कुछ होर दिस रहा हुंदा। ठीक उस वक्त भी इदां ही सी, जहांगीर अत दा वड्डा शराबी बंदा, वड्डा अयाश मनुख, पर सतसंगी जनों इस वास्ते अकबर इसनू नहीं चाहुंदा। उहनू पता इस गल दा कि एडा अयाश ते एडा नशेखोर आदमी कदे भी राज भाग ते कामयाब नहीं हो सकता, वह ये सोच करके उहदे नालों दूर है। इस करके नहीं कि यह मुसलमान कट्टड़पंथी है, कट्टड़पंथी तो है ही नहीं। हुण गल आउंदी है कि जदों उसने वेख्या कि मैनू राज भाग नहीं मिलना, इन्हें फिर लोगों नूं गंढना शुरू कर दिता, और लोग गंढने किहड़े सन, सब तो पहला इन्हें गंढे लोग कट्टड़पंथी लोग जेडे इस्लाम दे कट्टड़पंथी लोग सन उन्हां नूं गंढिया। याद रखना कट्टड़पंथी लोग जेडे हुंदे ने ना, ये एक कौड़ी सच्चाई, जेडे लोग कट्टड़पंथी हुंदे ने, धर्म दृढ़ होना एक वक्री गल है, अपने धर्म ते पक्का होना, अपने धर्म ते दृढ़ होना एक वक्री गल है, ते कट्टड़पंथी होना एक वक्री गल है। ये भी किसी फिर वेले मैं अर्ज कर लवांगा, दोवें वक्रियां वक्रियां गल्लां जे किते इकट्ठा ना समझ लेना। लोग कहिंदे ने जी कट्टड़पंथी होना चाहिए, नहीं, कट्टड़पंथी जिहड़ा अपना दिमाग नहीं वरतदा, कट्टड़पंथी लोगों के पिछे लग जांदा है, वह तो भावनावां किसी वेले भी उहदियां तुसीं उतेजित कर दिओगे। भावनावां उतेजित करन दा इन्हां लोगों नूं राजनीतिक लोगों नूं बड़ा वाल आउंदा हुंदा, इन्हां दा तजर्बा, इन्हां दीआं डिग्रियां ही इहो हुंदियां ने, होर इन्हां कहिड़ियां डिग्रियां कीतियां, होर कहिड़े इंजीनियर लगे ने, इहो कुछ आउंदा इन्हां नूं। उहनां नूं भावनावां उतेजित करनियां आउंदियां ने, भावनावां उतेजित कीतियां जहांगीर ने, और इहनूं सब तो वड्डा बंदा जिहड़ा सी उह लभिया शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी जिहड़ा है इह ख्वाजा बाकी बिला दा चेला, जिहड़ा तुरान तों आया सी इह उहदा चेला है। याद रखना इसने इक्को ही गल सोची होई सी कि हिंदुस्तान दे विच राज मुसलमाना दा है, राज इस्लाम दा है, ते झंडा धार्मिक तौर पर भी इस्लाम दा ही झुलना चाहिए, और अपने धर्म दा प्रचार करन वास्ते, अपने धर्म दा प्रसार करन वास्ते राजनीतिक ताकत नूं वरतना अत्यंत जरूरी है। यह इस मनुख की नीति सी, इस मनुख ने नीति वरती। और याद रखना एक होर गल ध्यान रखियो, जदों जदों लोकां ने नीति वरती और राजसी ताकत जिहड़ी सी उह अपनाई, उदों उदों ही याद रखना उहनां दे पिछे लगण वालियां दी गिणती हमेशा वधी है। ये बिल्कुल वक्री गल है कि अंदरों किसे दा धार्मिक होना होर चीज़ हुंदी है,
बाहरी रूप में धार्मिक होना धार्मिक लिबास पाना एक वक्री चीज़ होंगी है। इस वास्ते धार्मिक लिबास वाले लोग धार्मिक पहरावे वाले लोग बाहरों देश के संप्रदायी लोग जड़े ने वो इन्हां दे पिछे लंबी लाइन ला के खलो जाते हैं। शेख अहमद सरहंदी जिहड़ा सी उह इस तरह का सी, इहदे नाल संबंध कायम करन वास्ते शेख बुखारी नूं आख्या इसने, जहांगीर ने शेख बुखारी ने शेख अहमद सरहंदी नाल संपर्क किया क्योंकि ये उहदा चेला सी। इस वास्ते शेख अहमद सरहंदी दे कहण उत्ते ये सारा कुछ किया गया, जकात वधाए गए, टैक्स जजिए आदक वधाए गए, हिंदुस्तान की इस जनता नूं तंग करन दा हर हीला वरत्या गया। ये तां होया सी जदों शेख अहमद सरहंदी ने करवाया सारा कुछ। 17 अक्तूबर 1605 नूं अकबर बादशाह दे तखत दे उत्ते जहांगीर बैठदा है। जदों जहांगीर बैठा 17 अक्तूबर नूं, 17 अक्तूबर तो बाद याद रखण वाली गल है कि अप्रैल 6 नूं अमीर खुसरो जिहड़ा इहदा पुत्र है वह बगावत करदा है आगरे तो। पहला दबाउण दी कोशिश कीती, उन्हों 1 लाख रुपया दिता भी तू अपना महल सोहना बना लै, भई उत्थे रुझा रहेगा, मेरे वाले पासे इहदा ध्यान ना आवेगा। राजनीतिक लोगों को 4 स्टैप होंदे ने, 4 चीज़ां होंदियां ने, साम है, दाम है, दंड है, ते भेद है। साम किसे नूं प्यार करना, अपनी शरण विच लै लेना, जे इदां नहीं मनदा फिर पैसे सुट देने अग्गे, चुक जिन्ने चुकने आ, जो चाहिए तेनूं लै लै। तीसरा है साम दाम दंड, जे इदां नहीं मनदा ते फिर सजा देनी, जुल्म करना, तशद्दुद करना, जे इदां भी नहीं मनदा, जे इदां भी कोई कौम थल्ले नहीं लगदी ते फिर पाड़ो। भेद पाउणा, पाड़ना, जिस नीति दी गल असीं अंग्रेज़ राज बारे करदे आं, डिवाइड एंड रूल, पाड़ो अते राज करो, पर ये राजनीति दा चौथा थम हुंदा जिसनों भेद आख्या जांदा। तो सतसंगी जनों होया कि मैं अर्ज कर रहा सां 6 अप्रैल नूं इसने बगावत कर दित्ती, बगावत करके पंजाब दी धरती नूं वधिया। 21 अप्रैल नूं ये लाहौर पहुँचदा, 21 अप्रैल 1606 उदों ये लाहौर पहुँचदा। इहदे पिछे पिछे जिहड़ा ये मुर्तजा खान का खिताब दिता सी, जिसनों शेख अहमद बुखारी ये शेख फरीद बुखारी जिहड़ा ये पिछे आ रहा है, शेख फरीद बुखारी इहनूं फड़न वास्ते तत्पर है, फौजां उहदे नाल ने, पिछे पिछे जहांगीर बादशाह भी आ रहा है। और ये भी गल याद रखण वाली है कि 28 अप्रैल नूं जहांगीर बादशाह पंजाब दी धरती ते लाहौर शहर विच पहुँच जांदा है। 2 दिनां विच खुसरो अते उहदे साथियों नूं सजावां दित्तियां जांदियां ने, पर 28 अप्रैल तक, इत्थों तक कि मई दे पहले दिनां तक, पहले हफ्ते तक किसे नूं कोई पता नहीं कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने कोई अमीर खुसरो दी मदद कीती है। ये किसे नूं ध्यान च ही नहीं, जिन्हां नूं जिन्हां ने राह विच मदद कीती सी सारियां नूं सोधदा होया आया, सारियां नूं सजावां दिंदा होया ये जहांगीर आया, पर इहनूं इत्थों तक आउंदिआं कोई पता नहीं लग्गिआ। क्यों नहीं लग्गिआ? क्योंकि कुछ होया ही नहीं सी। असल विच गल ये सी कि उहदी जिहड़ी नीति सी, उह नीति दे नाल उहनां शेख अहमद सरहंदी वर्गियां बंदिआं कोल मन चुकिआ सी कि जे तुसीं मैनूं राज दिवा दिओ ते मैं पंजाब दे विच्चों, हिंदुस्तान दे विच्चों हिंदुआं दा नूं नेस तो नाबूद कर देंगा। जिहड़ी एक लहर उभर रही है पंजाब दी धरती दे उत्ते, गुरु नानक दा धर्म जिहड़ा उह चल रहा है, मैं उस नूं भी खत्म कर देंगा। इस दा जिक्र तौज़ के जहांगीरी अपनी स्वै जीवनी विच बड़े भली भांत करदा है। वह कहिंदा मैं बड़े चिर दा सोचदा सां, अज दा नहीं, वह कहिंदा बड़े चिर दा, भाव यह है कि उदों राजा नहीं सी बनिया, उदों दा बड़े चिर दा सोचदा सां कि गोइंदवाल दे कंडे उत्ते अर्जुन नां दे एक आदमी वल्लों एक दुकान है बातिल, भाव है झूठ की दुकान, माफ करना शब्द मेरे मूहों निकलिया, मैं इस वास्ते खिमा मंगदा तुहाडे कोलों भी सतगुरु कोलों भी, पर उन्हें ये शब्द लिखे ने भाई ये दुकान चलाई हुई सी, इसने मैं बंद करन दी बड़े चिर दा सोचदा सा। और याद रखना कि 21 मई नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी के खिलाफ एक
फुरमान जेड़ा है वह जारी किया जाता है कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने लंगर छकाया है खुसरो नू ते उदे मथे उत्ते तिलक ला के उन्हू राज गद्दी दा वर दिता है। ते 23 नू सतगुरु सच्चे पातशाह नू सद्या जांदा है। 30 मई नू सतगुरु सच्चे पातशाह शहादत दा जाम पींदे ने। मैं अर्ज़ कर रहा सां ये सारा कुछ बनावट सी और बनावट इस वास्ते वरती गई सी जेड़ा गुरु बाबे ने आखिया सी राजे शीं मुकद्दम कुत्ते, जेड़ा गुरु बाबे ने आखिया सी जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो पाप की जंज लै काबल होताया। वो पाप की जंज अज भी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ते हमला करके आई और सतगुरां नू शहीद कीता। दूसरा कारण वड्डा कारण सी एक घर दी फुट परिवार विच, क्योंकि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने जदों गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह नू गुरगद्दी बख्शिश की उस वेले ही गुरु घर विचों फुट जिहड़ी सी उभर के सामने आई। फुट के परिवार वाले लोगों ने इस गल का गिला किया कि गल ठीक नहीं हुई। बाबा मोहन, बाबा मोहरी, बाद विच भाई दातू दासू अते बाबा पृथ्वी चंद ये विरोध करते रहे और विरोध किन्ना क्यों किया, कितों तक किया। इतों तक सतसंगी जनों कोई विरोधी भी नहीं जा सकता। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे बाल स्वरूप सपुत्र, बाल स्वरूप गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जेड़े हाले खेडते पे सन उन्होंने जहर देने की कोशिश की गई। उन्होंने दाई कोलों अपने थणा ते जहर लवा के दुध जहर वाला जहरीला दुध पिया के मारन की कोशिश की गई। सतगुरु सच्चे पातशाह उत्ते जहरीला सप छड्या गया। केड़ा कम सी जेड़ा पृथ्वी चंद होरां नहीं कीता, जे उन्होंने वो सारे कम किए तो ये भी उन्हों का असर होया। बेशक पृथ्वी चंद ये भी याद रखने वाली गल है, इतिहासक नुकता है, समझन वाला नुकता है कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की शहादत तो पहला पृथ्वी चंद इस संसार नू अलविदा कह चुकया होया सी। पर उस वेले पृथ्वी चंद का पुत्र मेहरबान तो संसार विच है ही सी ना, विरोध तो वह भी सामा ही करता पिया सी। इस वास्ते एक विरोध ये भी सी, एक विरोध चंदू वाला भी सी, एक विरोध होर सी बड़ा वड्डा। वो विरोध सी संसार दे जेड़े लोग पूजा दे धान ते पलदे ने वो कदी सच नू प्रवान नहीं करदे हुंदे, कदे भी नहीं कर सकदे। संसार दे विच एक मर्यादा बनी हुई है, रस्ते दो ने, हुण दोवें रस्तियां नू एक रस्ता दूजे नू किद्दां मन लवे। इस वास्ते उन्हां लोकां ने नहीं मन्निया जिन्हां दी पूजा नू खतरा होया। उन्हां ने गुरु नानक दा राह रोकण दी कोशिश कीती, भावें वह जोगी सन, भावें वह वख वख मंदरां दे पुजारी सन, उन्हां सारियां ने रोकण दी कोशिश कीती, पर गुरु नानक दा काफिला रुकिया ना। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा वह जेतू रथ संसार विच जय जयकार फैलाउंदा होया अगे वधदा गया। और जदों गुरु अर्जन देव गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने अज कह देना तो बड़ा सौख है, असी सारे ही बड़ा माण भी करते हैं तो गुरु के प्यारे ये भी गल कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब साडे सतगुरु ने, पर कदी ये भी सोचना कि साडे सतगुरु ने यह पावन गुरबाणी सानू किन्ना हालातों में बख्शिश की है, कदी ये भी सोचा करिए। जे असी उन्हां सतगुरां नू याद नहीं करते, जे उन्हां दे चरणों में असी सिजदा नहीं करते, वो सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे रूप जिन्हां रूपां ने समय समय से इस पावन गुरबाणी के प्रचार प्रसार अते रखिया वास्ते सत्कार वास्ते वड्डे कार्ज कीते ने, उन्हां नू सिर चुकाउणा साडा निहायत जरूरी फर्ज बनता है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के खिलाफ पंडितां वल्लों पुजारियां वल्लों एक शिकायत की गई कि इन्हां ने एक ग्रंथ बनाया, उस ग्रंथ दे विच उस पोथी दे विच इन्हां ने हिंदुआं अवतारां अते इस्लाम धर्म दे जिहड़े पैगंबर ने उन्हां दी निंदिया कीती है, अपनियां वक्खरियां गल्लां कीतियां ने, वेदां पुराणां दी निंदिया कीती है, इतिहादिक गल्लां कीतियां गईयां कीतियां जांदियां हुंदियां ने। याद रखना ये गल्लां हुंदियां हुंदियां ने। मैं एक छोटा जिहा नुकता आप जी नाल सांझा करदिआं। लोग हथियार लभदे हुंदे ने हमेशा, पर किहड़ा हथियार वरतना है समय के लिहाज नाल। महाराजा रणजीत सिंह दा राज है, महाराजा रणजीत सिंह इस संसार विच्चों चाला मार गया, क्योंकि जून का महीना चल रहा तो इस महीने च महाराजा रणजीत सिंह इस संसार चो जांदा है। महाराजा रणजीत सिंह दे जाण तो बाद इस तखत दे उत्ते जिहड़ा भी बैठिया
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰੁਕੇ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕਾਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀੜ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 51 ਦਮੜੇ ਭੇਟਾ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੋਂਦੇ ਮਰਵਾਹੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, 1, 2 ਜਾਂ 3 ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਵਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ 33 ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ 33 ਲੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਲਮ ਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।